विधानमंडल के परिसर में आज जो दुर्व्यवहार बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ हुआ, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी नाराजगी बिहार सरकार और खास तौर पर अधिकारियों पर जाहिर किया है। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जिस तरीके का व्यवहार बिहार में अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ कर रहे हैं वो बताता है कि अधिकारी राजतंत्र में जी रहे हैं। संजय जायसवाल के नाराज़गी का आलम कुछ इस तरीके से है कि संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि जो व्यवहार आज हमारे सरकार के मंत्री के साथ हुआ वो बताता है कि बिहार में जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों को इज्जत नहीं देना चाहते। संजय जायसवाल ने बिहार में अफसरशाही को लेकर बड़ी टिप्पणी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में कुछ अधिकारी जनता के सेवक होने की जगह राजतंत्र के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने अभी थोड़ी देर पहले अपने बयान में कहा कि जीवेश मिश्रा के साथ विधानसभा के परिसर में जो कुछ भी हुआ उस मामले में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ज़रूर संज्ञान लेंगे। बिहार के मुख्य सचिव की तरफ से हर बार कहा जाता है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान जिला अधिकारी को करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी सामान्य शिष्टाचार का भी पालन नहीं करते। ऐसे अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। बता दें आपको कि मंत्री जीवेश मिश्रा के प्रकरण को लेकर बीजेपी नेतृत्व कितना नाराज है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि संजय जायसवाल के बयान में सब कुछ समझ सके। उन्होंने सीधा कह दिया है कि देश में कहीं भी आईएएस आईपीएस अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान शिष्टाचार के साथ करते हैं, लेकिन बिहार में कुछ अधिकारी राजतंत्र की तरह व्यवहार करते हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस की ट्रेनिंग अधिकारियों को बताया था कि उनका व्यवहार जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ कैसा होना चाहिए। जीवेश मिश्रा ने सदन में जो तेवर दिखाए और जिस तरह विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में जांच की बात कही है, उसके बाद बीजेपी नेतृत्व पीछे हटने के लिए कहीं से भी मूड में नज़र नहीं आ रहा। बता दें आपको कि ये पहली दफ़ा नहीं है, सदन के अंदर कई दफ़े जो विपक्ष हैं उन्होंने भी कहा था कि जो अधिकारी हैं बिहार के वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते, और यही कारण है कि जीवेश मिश्रा का जो पूरा प्रकरण आज विधानसभा के परिसर में हुआ उसके बाद सदन के अंदर विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए जीवेश मिश्रा को न्याय दिलाने की बात कही और कहा कि जिस तरीके का दुर्व्यवहार मंत्री के साथ हुआ है उसके बाद जीवेश मिश्रा को न्याय मिलना चाहिए। अब जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नाराजगी है और उम्मीद जताई है कि जब पूरा मामला विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है और उन्हें संज्ञान लेना है तो ज़रूर से ज़रूर जीवेश मिश्रा को न्याय मिलेगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाए समाधान, अभी कॉल करें 844-8277-903।